नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम एक ऐसा पेनी शेयर को एनालिसिस करेंगे जिसका प्राइस में एक मॉल्टियर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उसके साथ इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में मॉल्टीबल रिटर्न दे सकता है। तो किस टाइप का चार्ट सेटअप बन रहा है एंड इसका फंडामेंटल क्या बन रहा है, डिटेल्स में अभी हम एनालिसिस करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का इंडस्ट्री क्या है एंड सेक्टर क्या है। अगर आप इस स्टॉक का सेक्टर देखेंगे वो है शुगर का एंड इंडस्ट्री है शुगर का, एंड इसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप दिखाई दे रहा है जो कि आगे हम कवर करेंगे। जैसे कि इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है 629 करोड़ का, एंड इस कंपनी के पास रिजर्व कैश देखिए कितना है 2533 करोड़ का, लगभग 4 times ज़्यादा है मार्केट कैप से इसके पास रिजर्व कैश है। अगर डिविडेंड यील्ड देखेंगे 0.48%, इसका मीनिंग है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर के साथ डिविडेंड शेयर कर रहा है। एंड इसका जो करेंट प्राइस चल रहा है 211 का एंड बुक वैल्यू है 861। बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे इसका करंट प्राइस चल रहा है। देखिए, बुक वैल्यू है 861 का एंड करंट प्राइस चल रहा है 221 के आसपास। स्टॉक का पी देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हाई है अगर इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करेंगे तो। डेप्ट इक्विटी 0.92, जिसको आप मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं, बिलो 1 है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.24, जो कि अच्छा साइन है। अगर अभी आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 12.6%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 50% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 38%। लास्ट 5 ईयर से स्टॉक का प्राइस उतना कुछ बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले टाइम में इसमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का रिटर्न शो कर रहा है कि स्टॉक का प्राइस आइदर कंसोलिडेशन कर रहा था नहीं तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जो कि आगे हम चार्ट में देखेंगे। अगर अब हम क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जाएंगे तो देखिए, सेल्स यहाँ पे लगातार ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे दिसंबर 21 से लगातार सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे अप डाउन चल रहा है। जैसे कि सितंबर क्वार्टर में एंड जून क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी लॉस डिक्लेयर किया था, लेकिन प्रीवियसली कुछ क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल था। ये तो हो गया क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर। अगर आप अभी ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर देखेंगे, ये स्टॉक फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है लास्ट 5 से 7 ईयर्स के अंदर, जो कि था मार्च 23 में। देखिए, 305 करोड़ का यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया है फर्स्ट टाइम लास्ट 2012-13 के बाद ना, यहाँ पे 2023 में जाकर 314 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि पॉजिटिव साइन कंसीडर कर सकते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस देखिए लगातार लॉस डिक्लेयर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 305 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो देखिए, प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 57% के आसपास होल्डिंग, जो कि पॉजिटिव साइन है। FI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं 1.36%, जो कि पॉजिटिव साइन है। DI के पास माल कुछ भी नहीं है, 0.01%, आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 41.78%। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर का एलोकेशन देखेंगे तो देखिए, बिग इन्वेस्टर यहाँ पे अराउंड होल्ड कर रहे हैं 7% के आसपास। तो यहाँ पे टोटल माल पब्लिक के पास है 41.78 - 7, तो यहाँ पे आप मानकर चल सकते हैं 34% यहाँ पे रिटेल पब्लिक होल्ड कर रहे हैं, जिनका होल्डिंग बिलो 1% है, क्योंकि एबव 1% शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बिग इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है, तो अराउंड 34% रिटेल पब्लिक के पास है, जो कि रेड फ्लैग है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन एबव 20%, आप वहाँ पे उसको रेड फ्लैग कंसिडर कर सकते हैं, जो कि इस स्टॉक का केस में है। लेकिन जिस टाइप का अभी मॉल्टियर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, प्राइस हमेशा से ना, अगर आने वाले कुछ क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आने वाला होगा नेट प्रॉफिट में सेल्स में, तो प्राइस उसको इनिशियली पहले से डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, जो कि अभी प्राइस स्ट्रक्चर में कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं किस टाइप का ब्रेकआउट शो कर रहा है। एंड देखिए, जो स्टॉक का नाम है जुआरी इंडस्ट्री, एंड यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, यहाँ पे देख सकते हैं 221 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। जुआरी इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के ऊपर आप नजर रखिएगा। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए चार्ट ओपन हुआ है,
जुआरी इंडस्ट्री लिमिटेड का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, प्राइस देखिए यहाँ पे टॉप बना था 2017 में, उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन के आसपास आ रहा था ना, प्राइस को देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई देखने को मिला है। एंड फाइनली लास्ट वीक में प्राइस देखिए उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेशन करने के बाद एक बिग मारूबाजू कैंडल के साथ वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, जो किसका था मल्टीयर का ब्रेकआउट लास्ट 6 ईयर में। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल में देखिए कितना बड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे प्राइस ने जनरेट किया है। एंड जिस टाइप का अभी आप वॉल्यूम देख रहे हैं एंड जिस टाइप का बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है। एंड शॉर्ट टर्म में तो इसका टारगेट जो है लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है 312 के आसपास। एंड 312 को जैसे ब्रेक करेगा उसके बाद स्टॉक का प्राइस 400 एंड 500 को टेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में प्राइस यहाँ पे 500 लेवल को भी क्रॉस करने का प्रोबेबिलिटी है, जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस यहाँ पे उसका लाइफ है 310-350 लेवल को टेस्ट करने का प्रोबेबिलिटी है एंड बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम का यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है। उसके साथ देखिए प्राइस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है एक कंटिन्यूएशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए ये हो गया ट्रेंड एंड उसमें बीच में बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ए हो गया लेफ्ट शोल्डर, ए हो गया राइट शोल्डर एंड ए हो गया हेड। एंड इसका जो नेकलाइन था प्राइस उसको ब्रेकआउट कर चुका है एंड हाई वॉल्यूम के साथ। देखिए इसी केस में जो प्रीवियस स्विंग लो बन रहा है नियरली बिलो 135 यहाँ पे एग्जिट पॉइंट बन रहा है, क्योंकि जो कि थोड़ा सा वाइड बन रहा है, इसलिए अगर स्टॉक का प्राइस कभी भी पुल बैक करता है उसी केस में कंसिडर हो सकता है, क्योंकि बिलो 135 यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रिस्क बन रहा है 34% के आसपास बन रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस कभी पुल बैक कर लेता है नियरली 190-185 वहाँ पे बेटर लेवल रहेगा, 185 के आसपास तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बनेगा 26% के आसपास। नहीं तो यहाँ पे इसको अकुमुलेशन हो सकता है, कभी भी अगर मार्केट में डी मिलता है ये स्टॉक पुल बैक करता है 185-180 वो एक बेस्ट जोन बन सकता है। अभी भी प्राइस ऊपर जा सकता है, नहीं तो वाटर टेस्ट क्वांटिटी के साथ पुल बैक का वेट हम कर सकते हैं, जिस टाइप का अभी सिनेरियो देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर अभी हम राशियो चार्ट के ऊपर जाएंगे, राशियो चार्ट में देखिए यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। राशियो चार्ट में देखेंगे यहाँ पे देखिए क्लियर कट एक मल्टीयर का ब्रेकआउट शो कर रहा है, जो कि 2017 में टॉप बन जाने के बाद। देखिए प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन के आसपास आ रहा था ना, प्राइस को यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। एंड फाइनली देखिए कपल ऑफ मंथ का कंसोलिडेशन के बाद फाइनली प्राइस यहाँ पे जो यहाँ पे मल्टीयर का रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया है। एंड जिस टाइप का ब्रेकआउट हुआ है, राशियो चार्ट यही बोल रहा है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे राशियो चार्ट भी उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर चुका है। अभी के लिए अगर हम राशियो चार्ट देखेंगे, प्राइस स्ट्रक्चर देखेंगे एंड फंडामेंटल को देखेंगे, एक्सपेक्ट शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में बिग मूवमेंट आ सकता है। एंड रिस्क डिफाइन करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में जो प्रीवियस स्विंग लो बना है 135 के आसपास, वहाँ पे हमारा रिस्क डिफाइन करके एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो आपका रिस्क कैपिटल साइज के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। स्टॉप लॉस डिपेंड करता है फुल्ली आपके ऊपर, लेकिन जनरली हम प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस को डिफाइन कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।